शेफलर इंडिया ट्रैक कर रहे हैं। देखिए शेफलर इंडिया तो मेरे ख्याल से एक बेरिंग की कंपनी है और पहले इसका नाम फैग इंडिया हुआ करता था। मेरे ख्याल से देखिए इस कंपनी में सबसे बड़ी खासियत है कि इनका पेरेंट जर्मन है, प्लस डोमेस्टिक मार्केट में ये काफी वेल पोजिशनड है। कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर कार सेगमेंट्स को अपने बेरिंग सप्लाई करते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक बेरिंग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी अभी ये बेरिंग्स की R&D कर चुके हैं। पॉसिबली यहाँ पे भी वो सप्लाई करने की सक्षम कैपेसिटी रखते हैं। तो मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक लेना है, मेरे ख्याल से देखिए सस्ता स्टॉक तो नहीं है, लेकिन अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। और ऑब्वियसली जिस प्रकार की टेलवेंड्स अभी ऑटो सेक्टर से हमको दिख रही है, ऑटो सेक्टर में OEM सेक्टर बहुत समय के बाद अभी वाइब्रेंट है, नए कार की मॉडल्स अभी लॉन्च हो रही है, तो इसका सारा फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए ही इसको खरीदना चाहिए। जी।